हनुमान भक्ति भाव की निर्मल गंगा में बह रहा है, उसे वृक्ष के फल भी, मंदिर की घंटियां दिखाई दे रही। के समक्ष राम भक्त हनुमान, सबसे बड़े भगवान का श्रेष्ठतम भक्त। बजरंग मन में उठे बस राम तरंग, राम सोच और राम ही ध्यान, राम ही जीवन राम ही प्राण। राम नाम में रत हनुमान, एक आधार राम का नाम, राम राम बस राम ही राम, रोम रोम में राम का ध्यान। ये गाथा महाबली हनुमत की, कुछ कर लीला राम भगत की, जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान, जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हनुमान राम मई हनुमान, तुम्हारी यही भक्ति तुम्हें एक दिन तुम्हारे प्रभु राम से अवश्य मिलवाएगी। मिल गया है वो जिसकी हमें वर्षों से प्रतीक्षा थी, वो नर रूपी नारायण अयोध्या में पल रहा है। वो रघुवंशी दशरथ का पुत्र बनकर, परंतु अब नहीं बचेगा वो, उसे मैं मारूंगा एक अग्नि अस्त्र से, उसका वध कर दूंगा अयोध्या के एक एक सूर्यवंशी का, रघुकुल के सूर्यवंशियों का जीवन सूर्य अस्त होने वाला है सदा सदा के लिए। शमशान बना दूंगा मैं अयोध्या को, शमशान बना दूंगा मैं अयोध्या को। सूर्यवंशी महाराज इक्ष्वाकु कुलदीपक, महाप्रतापी महाराज दिलीप के वंशज। मैं सूर्यवंशी महाराज इक्ष्वाकु कुलदीपक, महाप्रतापी महाराज दिलीप के वंशज,
रघुकुल तिलक महाराज अज का पुत्र दशरथ। रघुकुल तिलक महाराज अज का पुत्र दशरथ। इस पवित्र अग्नि के समक्ष वशिष्ठ की उपस्थिति में इंद्र, वरुण आदि समस्त देवता और दसों दिशाओं के दिक्पालों को साक्षी मानकर ये शपथ लेता हूं कि मैं कि अयोध्या का कोई भी अन्य सूर्यवंशी इस महाकल्याणकारी धीरती व्रत के संपन्न होने तक ना अस्त्र शस्त्र उठाएगा, ना ही किसी प्रकार के युद्ध में भाग लेगा। कैसी शिक्षा लेकर आया, ना खेलना, ना खाना, ना सोना, राम बावला सा हो गया। हे प्रभु, हे माँ पार्वती, अब आपका ही सहारा, सहायता कीजिए। पुत्र हनुमान, तुम्हारी अद्भुत भक्ति ने तुम्हारी माँ के हृदय को व्यथित कर दिया है। पुत्र, गौरी की ये गैया आई, सबके प्रश्नों का उत्तर लाई। गौरी की गैया इतनी रात्रि, अवश्य इसके पास मेरी दुविधा का हल होगा। माचिका, देखो तो भवन के द्वार पर गैया वाली गौरी आई, जाओ और उसे शीघ्र इस कक्ष में लेकर। ऐसा मत करो पुत्र, निद्रा नहीं लोगे तो अस्वस्थ हो जाओगे। प्रणाम। अच्छा हो आप ऐसे समय पर आए। देखिए ना, मेरे पुत्र को न जाने क्या हो गया, ना खाता है ना सोता है, बस राम नाम ही जपे जा रहा है। राम जय हनुमान। हनुमान भक्ति भाव के आनंद में डूबे आए महारानी जी। किंतु आप चिंता ना कीजिए महारानी जी, आप इसे लोरी गा के सुलाइए, मैं भी आपका साथ देती हूँ। आइए। सोता दो पल हो शैया बना।
अब मुझे आज्ञा दीजिए। हनुमान ये कहाँ गया? एकाएक राम राम। हनुमान रुक जाओ पुत्र। हनुमान कैसी विचित्र धुन चढ़ी है हनुमान के शीश पर। जगत के सभी दीपक हटा रहा। जय हनुमान, जय श्री राम महा प्रभु श्री राम जय हनुमान। अंजनि सुत की राम पुकार उपजे राम रे दय छंकार। हनुमत विकल राम की खोज मन में भरे भक्ति का ओज। राम नयन में हरी उदासी अखियां भक्त तरस की प्यासी। दुखित सुमेरु अयोध्या कुल नाम पुकार से त्रिभुवन आकुल। राधा महाबली हनुमत की रुचि कर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन जय 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 महाबली हनुमान। एकाएक निद्रा से क्यों जाग गए पुत्र? तुम इतने विचलित क्यों हो रहा? मुझे कोई पुकार रहा है मां। कोई जो बहुत अपना सा है। कोई स्वप्न देखा होगा पुत्र। चलो आओ अब सो जाओ। स्वामी मुझसे मेरे पुत्र की यह दशा नहीं देखी जा रही। जाइए और उसे मेरे पास लाइए। मैं अभी लेकर आता हूं।
अपने पुत्र हनुमान को प्रिय। देवेश्वर, हनुमान पूर्णतया राममय हो चुके हैं। अब समय आ गया है, हमें चलना चाहिए। मेरे हनुमान को स्वस्थ कर दीजिए। अपनी पत्नी के साथ पधारे वो आपसे और हनुमान से भेंट करने के इच्छुक है। उन्हें शीघ्र लेकर आए। प्रणाम वैद्यराज जी। प्रणाम वैद्यराज जी। आपको भी प्रणाम। राम राम। बावला हो गया है मेरा पुत्र हनुमान। ना भोजन, ना निंद्रा, ना कोई बाल सुलभ क्रीड़ा, बस राम नाम का जप करे जा रहा है। आप कोई उपचार कीजिए वैद्यराज जी, मेरे पुत्र को स्वस्थ कर दीजिए। महाराज केसरी, हमारे पास हर आदि व्याधि का उपचार है। युवराज हनुमान को हम स्वस्थ कर सकते हैं। किंतु इसके लिए आपको पहले अपना वचन निभाना होगा। वचन? आपको कदाचित स्मरण नहीं है, हम पूर्व काल में भी आए थे जब हनुमान ने दावा ग्रहण कर लिया था। वैद्यराज जी, आप तो हमारे पुत्र को मृत्यु के मुख से खींच लाए हैं। आपके लिए हम जो भी कर सकें वो कम होगा। वैद्यराज जी, कृपया आज्ञा दें। हम क्या शुल्क देके आपको संतुष्ट कर सकते हैं? शुल्क भविष्य में कभी मांग लेंगे। हाँ, शुल्क वाला वचन। वैद्यराज जी, हनुमान की कुशलता के लिए मैं कुछ भी दे सकती हूँ। धन धान्य माणिक मोती, यहाँ तक कि ये राजपाट, आप बस मेरे पुत्र को स्वस्थ कर दीजिए। बताइए आप क्या चाहते हैं। देना ही चाहती हैं तो मुझे हनुमान दान में दीजिए।